सदस्य इस मंदिर के पूर्व छात्र संगठन द्वारा निकाली जा रही है। हम सबको ध्यान में है कि पिछले दिनों में भारत और चीन के सैनिकों के बीच में जो मुठभेड़ हुई थी, उसमें रीवा जिले के मणिकवार सरस्वती सिद्ध मंदिर के पूर्व छात्र दीपक सिंह जी शहीद हुए थे। उनकी शहादत को नमन करते हुए, उनकी शहादत को याद करते हुए ये श्रीराम नाम संकीर्तन के माध्यम से हम सब अलग जगाने निकले हैं, संकल्प दिलाने निकले हैं कि इस बार दीपावली के त्योहार में हम सब लोग बिजली का झालर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसकी जगह हम लोग मिट्टी के दिए को जलाएंगे। उससे दो फायदे होंगे, हिंदुस्तान के लोगों को रोजगार मिलेगा, हिंदुस्तान में आर्थिक समृद्धि आएगी, और जब हम चाइना के सामान का बहिष्कार करेंगे तो चाइना की आर्थिक रीढ़ टूटेगी। चाइना को सबक इसलिए भी सिखाने की आवश्यकता है दोस्तों, कि चूंकि पूरे विश्व को कोरोना जैसी महामारी देने का अगर पाप किसी ने किया है तो चाइना की धरती ने किया है, इसलिए भी हमको चाइना के सामग्री का बहिष्कार करने की आवश्यकता है। इस बार चाइना की धरती ने तय किया है कि हिंदुस्तान में जो पटाखे भेजेगा, जो आतिशबाजी भेजेगा, उसमें अस्थमा का पाउडर मिलाकर भेजेगा, जिसके कारण पूरे हिंदुस्तान को अस्थमा के मर्ज से वो ग्रसित करने का प्रयास करेगा। इसलिए हम आपको सचेत करने आए हैं, सजग करने आए हैं कि उस पापी चाइना से बचें, चाइना की निर्मित वस्तु का हम बहिष्कार करें और स्वदेशी अपनाएं, देशभक्त कहलाएं। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने रीवा की आवाज को सुना। इस श्रीराम नाम संकीर्तन को सुनकर उन्होंने मध्य प्रदेश की धरती पर चाइना की निर्मित, चाइना की बनी हुई वस्तु पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है। इसलिए मैं शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद देता हूँ। शिवराज सिंह चौहान जी को धन्यवाद इस बात का भी देता हूँ कि इस बार आतिशबाजी में जो हिंदू देवी देवताओं के चित्र बने होते थे, उनकी भी बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने का पुण्य काम अगर किसी ने किया है तो माननीय शिवराज सिंह चौहान ने किया है, इसके लिए भी उनको हम धन्यवाद देते हैं। हम आप सबको संकल्प दिलाने आए हैं कि भारत के यशस्वी प्रधान